कि आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादी, उनमें से एक की पहचान हुई तालिब हुसैन शाह, और पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। तालिब हुसैन शाह वो तो बीजेपी के पदाधिकारी निकले, ऑफिस बेरर ऑफ बीजेपी तालिब अहमद शाह, जब ये पकड़ा गया तब यह पवित्र अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बना रहा था, श्रद्धालुओं पर हमले की योजना बना रहा था। पदाधिकारी, आपको विनीत जी आपके ग्रुप में वो अपॉइंटमेंट लेटर भी डालेंगे, 2022 मई का वो अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसमें तालिब अहमद शाह, तालिब हुसैन शाह जम्मू के माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रभारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले अक्सर गलती कर जाते हैं। सफाई दी उन्होंने, सफाई क्या दी? जम्मू कश्मीर के ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी से आया कि ये फेक न्यूज है और हमारे राज्य का प्रभारी तो कोई और है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो उसको राज्य का प्रभारी बताता ही नहीं है, जम्मू प्रोविंस का आईटी का प्रभारी बताता है। और बड़ा सही उसको पद दिया आपने, दिन में जो नफरत आईटी पे फैलाता है रात में फिर वही नफरत बाहर निकलकर फैलाता है। और यह तालिब हुसैन शाह की तस्वीर इस देश के गृह मंत्री के साथ उनके पीछे है, आप बताइए गृह मंत्री कैसे सुरक्षित हो सकते हैं जब एक आतंकवादी उनके इतने करीब चला जाए? और अगर वो आतंकवादी है इसकी जानकारी गृह मंत्री को नहीं थी तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकता है? और अगर थी और फिर भी इतना करीब आया, और इतना करीब आया कि उसको पदाधिकारी बना दिया भारतीय जनता पार्टी का, फिर मुझे और आपको कुछ कहने लायक बचा नहीं, सबके सामने सब कुछ सामने स्पष्ट है। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, ये कोई पहला मौका नहीं इन छद्म राष्ट्रवादियों के लिए। ये जो भाजपाई आतंक का पंचनामा मैं आपके सामने रख रहा हूं, पंचनामा किसी कारण से कह रहा हूं क्योंकि पांच उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, दो दे चुका हूं, तीन और उदाहरण देता हूं। दो साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला ही सामने आया जब आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। मीर पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो नवेद बाबू आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ। ये मीर, डीएसपी दविंदर सिंह पर तो एक किताब लिखी जा सकती है, कई पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, तो कोई हिम्मत जुटाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने की। 2017 में मध्य प्रदेश की वो घटना आप सबने कवर की थी, हम सबने डिबेट्स में भी भाग लिया था, जिसमें एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें, का ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। आप सबको सिर्फ याद दिला रहा हूं और इस प्रेस वार्ता के अंत में आपको एक खबर भी दूंगा, महत्वपूर्ण खबर है। अब यह ध्रुव सक्सेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी, फोटोएं दिख रही हैं, या तो शिवराज सिंह चौहान इतनी लचर सरकार चला रहे थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि ध्रुव सक्सेना आईएसआई से मिला हुआ है, और यह मालूम था तो फिर वापस वही बात, सबके सामने है सब कुछ, पर्दाफाश है। दो साल बाद 2019 में बजरंग दल के एक नेता मध्य प्रदेश में बलराम सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग के आरोप। बड़ी आत्मनिर्भर भाजपा है ये, आईटी सेल वाले टेररिस्ट भी हैं, टेरर फंडिंग भी खुद ही करते हैं,
इससे ज्यादा आत्मनिर्भर पार्टी हमने नहीं देखी, आतंकी भी साथ, सब कुछ साथ। 2017 में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के भाजपा नेता निरंजन होजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया और इस फंडिंग से आतंकवादी हथियार खरीदते थे और वो हथियार हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। ये सब फाइंडिंग्स में आया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादी को टिकट देने में भी नहीं चुकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया। तो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका हो उसको आप टिकट दे देते हो, तभी कहता हूं यह आत्मनिर्भर पार्टी है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नुपुर शर्मा भी आपकी पार्टी की, रियाज अतारी भी आपकी पार्टी का और तालिब हुसैन शाह भी आपकी पार्टी का, कितने फ्रिंज लोग पाल रखे हैं अपने खुद को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए, जरा इसका भी जवाब दीजिए हमें। टू स्टे इन द मेन स्ट्रीम, टू कम इन द मेन स्ट्रीम, हाउ मेनी फ्रिंज एलिमेंट्स यू हैव? नुपुर शर्मा बिलोंग्स टू यू, रियाज अतारी बिलोंग्स टू यू, तालिब हुसैन बिलोंग्स टू यू। इट्स अ ट्रूली आत्मनिर्भर पार्टी, सेल्फ सफिशिएंट। टेररिस्ट बिलोंग टू यू, यू हैव मनी टू फंड टेरर, यू गिव टिकेट्स टू टेररिस्ट, यू गिव पोस्ट टू टेररिस्ट इन योर पार्टी। इस देश में क्या माहौल बना रखा है आपने और क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? तभी मैं बार बार दोहराता हूं कि जिसको आज आप फ्रिंज कहते हो कल आप उसको मेन स्ट्रीम बनाओगे, क्योंकि कल आप फ्रिंज थे आज आप मेन स्ट्रीम हो। याद करिए मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट, आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं भी होमवर्क करता हूं तो मुझे लगता है आप भी करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे ज्यादा होमवर्क आप करते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट जरूर आप पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आज मेन स्ट्रीम है वो व्हाट वर दे डूइंग येस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं, भाजपा के इस खोखले ढोंगी छद्म राष्ट्रवाद को पहचानिए, राष्ट्रवाद की आड़ में यह देश को खोखला कर रहे हैं और एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग, विल द प्राइम मिनिस्टर ओपन हिज माउथ, will the home minister come out and give a clarification to the country, what were these terrorists doing in the BJP, what were you doing with those terrorists in the BJP? Thank you. ab main aapke sawal shuru hon usse pehle ek patra jo hamare Rajasthan Pradesh Congress committee ke adhyaksh Govind Singh Dotasara ji ne NIA ke pramukh ko likha hai wo jari kar raha hu, usme unhone उसमें उन्होंने मांग की है कि जो रियाज अतारी का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की चित्र और डिटेल्स और फेसबुक पोस्ट उनके साथियों की सामने आई हैं, ये नए तथ्य उजागर हुए हैं, इसकी भी गहन जांच की जाए। आर पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान मिस्टर गोविंद सिंह दोतासरा हैज रिटन टू द एनआईए चीफ ड्रॉइंग हिज अटेंशन to the new facts that have emerged wherein the terrorist called Riaz Atari has been clearly found as a member of the Bharatiya Janata Party, not only participating in their various programs, but photograph of the day when he joined the party in November 2019, where you can see Pandit Deen Dayal Upadhyay in the backdrop smiling away. Mr. Dotasara has drawn the attention of the NIA chief to these new facts and has requested him to investigate this very critical aspect of this terror incident of Udaipur. Thank you. Any questions you have? Abhi isi par. Uske baad.
I don't know who's put the poster, but I must tell you, we owe it to this country. It is in order to save this country from these so-called pseudo-nationalists that every single Indian must be told the truth of these terror episodes. We'll keep exposing them unless they come out and tell us what is happening. One after the other, whether it's Riaz Attari in Udaipur, whether it's Talib Hussain Shah in Kashmir, and I've given you five more examples. One after the other, you see there is a clear link between these terrorists and the ruling Bharatiya Janata Party. We still don't have answers on why was DSP Davinder Singh allowed to go scot-free? Why did the Honorable LG, Mr. Manoj Sinha, write that in that suspension order, in that removal order, dismissal order, that it is in national interest that he may not be investigated further? Why? Whose interest was this, was being served here? These are answers that the country now demands. We lost 40 of our brave hearts in the Pulwama attack. We cannot allow facts of Devinder Singh's dismissal without any punishment to him to go unaddressed. इसी पे पूछिए, हमारा एजेंडा यही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम सबका एजेंडा यही हो, क्योंकि देश का सवाल है.